हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 9th, शेड्यूल टू बी डन ऑन 3rd September 2020. डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू ऑल लव टू लिसन टू स्टोरीज. दे आर सो मच फन. वी ऑल लाइक लिसनिंग टू फोक टेल्स, गो स्टोरीज, स्टोरीज विद फेरीज एंड विजर्ड्स, स्टोरीज विद चिल्ड्रन, स्टोरीज विद मैजिक, स्टोरीज अबाउट आर गॉड्स और एलियंस, स्टोरीज अबाउट सुपर हीरोज. द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग एज अ किड वॉज अबाउट अ टॉर्टॉइस एंड अ रैबिट. इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक. डू यू रिमेंबर एनी स्टोरी यू रेड और हर्ड वेन यू वर अ किड? बेटा, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि हम सभी को स्टोरी सुनना बोलना बहुत अच्छा लगता है. स्टोरी सुनने में हमें बहुत मज़ा आता है. हम फोक टेल्स, जो हमारी पुरानी कुछ भूत वाली स्टोरीज होती हैं, या परियों की कहानियाँ हैं, या जादूगर की कहानी, बच्चों से या जादू से रिलेटेड जो आपकी कहानियाँ हैं, भगवान से संबंधित हमारी कुछ पौराणिक कथाएँ हैं, एलियंस से, सुपर हीरोज़ की, शक्तिमान और आपके अलग अलग सुपर हीरोज़ हैं, उन हीरो से रिलेटेड कहानियाँ भी सुनने में हमें बहुत मज़ा आता है. लेकिन जब हम छोटे बच्चे थे तो हम अगर याद करें तो सबसे पहले हमने कौन सी कहानियाँ सुनी? एक तो कछुआ और खरगोश, जिसमें कछुआ धीरे धीरे अपना काम करता है और खरगोश तेज़ी से अपना काम, अपनी रेस को पूरा करता है. लेकिन क्योंकि वो सो जाता है तो वो धीरे धीरे चलने वाला कछुआ भी रेस में जीत जाता है. यानी कि हमें लगातार निरंतर अगर हम अपना कार्य करें तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं. अब दूसरी स्टोरी जो हम रिमेंबर करते हैं वो कौन सी है? प्यासा कौआ. यस, आज हम स्टोरी को देखेंगे कि बेटा हर स्टोरी में क्या होता है. डू यू नो अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स? तो डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं किसी भी स्टोरी के? लेट मी टेल यू अबाउट देम. वन इज़ करेक्टर्स. उसमें करेक्टर्स होते हैं, उसके पात्र होते हैं, द पीपल, एनिमल्स और क्रिएचर्स इन द स्टोरी, दे आर कॉल्ड करेक्टर्स. तो बेटा करेक्टर्स जो हैं उसके वो, और दूसरा होता है सेटिंग, कि वो कौन सी जगह पर हो रही है वो स्टोरी, कौन सी, वेयर एंड वेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, वो कब है, कहाँ पर स्टोरी जो है वो किस स्थान पर और कब, स्टोरी का जो प्लॉट है कहाँ पर वो जो भी इंसिडेंस है हुआ है. फिर है आपका प्रॉब्लम. उसमें कोई ना कोई एक चैलेंज होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है या मेन फैक्ट्स होते हैं जिसके बेस पे वो स्टोरी बेस्ड होती है और आगे मूव करती है. फिर उसके बाद जब एक प्रॉब्लम है तो नेचुरल है उसके बाद क्या होगा बेटा, एक सॉल्यूशन होता है, हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व. इन दिस वर्कशीट वी लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्टोरी. This is important so that we are able to write and share stories we want. तो बेटा आप लोग भी stories लिखते हो, आपका एक story writing का question भी होता है, जिस जो आपका 10 marks का था. अब वो story writing के question को अगर हम story, किसी भी lesson को भी analyze करेंगे तो वो एक story है जिसमें main characters होते हैं, एक problem होती है, setting होती है और फिर वो problem का solution होता है और किस तरह से हमें वो solution मिला उस पर ही पूरी स्टोरी बेस्ड है. तो अब देखिए, ये हमारी स्टोरी है द क्रो एंड द पिक्चर. इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर व्हेन द बर्ड्स कुड फाइंड वेरी लिटिल टू ड्रिंक, अ थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिक्चर विद अ लिटिल वाटर इन इट, बट द पिक्चर वॉज हाई एंड हैड अ नैरो नेक एंड नो मैटर हाउ ही ट्राइड The crow could not reach the water. The poor thing felt as if he must die or of thirst. तो बेटा यहाँ पर क्या है, ड्राई वेदर, जब बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, बर्ड्स को भी पानी चाहिए पीने के लिए. तो थोड़ा सा भी पानी नहीं मिल रहा था कौए को पीने के लिए. तो जो आपने प्यासा कौआ कहानी सुनी है, ये वही कहानी द क्रो एंड द पिक्चर, उसी को आप इसमें देख सकते हैं कि वो पानी ढूंढ रहा है, उसको फिर एक वहाँ पर मिलता है और जब वो वहाँ पर उसे घड़ा मिला, लेकिन उसका नेक कैसा है, छोटा है, उस तरह से एक बर्तन है जिसका जो मुंह है बहुत छोटा है, वो नीचे तक अपनी चोंच से पानी पीने के लिए नहीं जा पहुँच सकता. तो वो बहुत बहुत ट्राई करता है लेकिन वो
पानी तक नहीं पहुंच पाता और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि अगर उसे पानी ना मिला तो क्या होगा, मस्ट डाई ऑफ थर्स्ट, वो प्यास के कारण मर जाएगा। देन एन आइडिया केम टू हिम, पिकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स ही dropped them into the pitcher one by one. With each pebble, the water rose a little higher until at last it was near enough so he could drink. और फिर उसको एक आइडिया आता है, उसने आसपास क्या देखे, कंकड़ देखे और उन कंकड़ को उसने एक एक करके उठाया और उस में डाला, वो जो घड़ा है उसके अंदर डालने के बाद क्या होगा, जब नीचे कंकड़ आ गए तो पानी नहीं, धीरे 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 पानी ऊपर आ गया और पानी जब इतना ऊपर आ गया कि उसके रेंज जहाँ तक वो पहुँच सकता था वहाँ तक पानी आ गया, तो उसने बड़ा आराम से वो पानी पिया और जब उसकी थर्स्ट, जब उसको जो प्यास लग रही थी बेटा, प्यास बुझाने के बाद उसको एक सक्सेस की फीलिंग मिली। अब देखिए यहाँ पे करैक्टर क्या है, करैक्टर यहाँ कौन, किसके बारे में आपकी ये स्टोरी है, तो करैक्टर क्या है, क्रो, द क्रो इज़ द करैक्टर ऑफ दिस स्टोरी। देन सेटिंग इन अ गार्डन, कहाँ पर है, वो वहाँ पर था, वो वहाँ पर ढूंढता हुआ पानी पहुँचा, तो इन अ गार्डन वी कैन से ओपन स्पेस या गार्डन, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हम गार्डन बोल सकते हैं। देन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि द क्रो वॉज थर्स्टी, तो अब आप यहाँ पे प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम है द क्रो वॉज थर्स्टी। देन वो कितना थर्स्टी था कि उसे ऐसे लग रहा था कि वो प्यास से मर ही जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि आफ्टर इट्स एफर्ट्स ही गॉट द वाटर टू ड्रिंक, ही कुड ड्रिंक द वाटर, तो वो जो एफर्ट्स थे, जब वो एफर्ट्स किए गए वो आइडिया के बाद वो वाटर उसको मिल गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, वाटर रोज अ लिटिल हाई, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हुआ, विद ईच पेबल द वाटर रोज लिटिल हाई अंटिल एट लास्ट इट वॉज नियर इनफ दैट ही कुड ड्रिंक द वाटर, तो ये इसका सॉल्यूशन है कि जब पानी वो ईच पेबल के साथ जैसे जैसे उसने वहाँ कंकड़ डाले तो धीरे 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 वो पानी ऊपर आया और एट लास्ट इतना पानी ऊपर आ गया कि उसने आसानी से पानी पी लिया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। बेटा इसी तरह से आप अपने जो चैप्टर्स भी पढ़ते हैं तो चैप्टर्स में भी आपके करेक्टर्स होते हैं, तो आपको क्लास में बताया जाता है जब आप चैप्टर का नाम लिखते हैं तो नेम ऑफ चैप्टर, देन उसका राइटर यानी कि ऑथर का नाम लिखेंगे आप, उसके बाद मेन करेक्टर्स लिखे जाते हैं, तो वही यहाँ पर देखिए करेक्टर सबसे पहला है पार्ट, करेक्टर के पास सेटिंग की है कहाँ पर, स्टोरी कहाँ पर हो रही है, कब हुए, क्या कौन सा समय इसमें लिया गया है, कौन सी स्थान पर हो रही है, फिर उसके बाद किस प्रॉब्लम पर बेस्ड है, एंड देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम या किस सिचुएशन पर, हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी वो किसी सिचुएशन पर भी बेस्ड होता है, तो आपको इसी तरह से हर स्टोरी को एनालाइज करना है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। So keep learning, stay blessed, stay happy.